हेलो गाइस, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू फ्रेंड्स। टुडे वी सी चैप्टर 11th ऑफ 5th क्लास हिंदी, अपनी कमाई। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। ठीक है, अपनी कमाई के बारे में जानेंगे। अपनी कमाई को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जो अपनी कमाई है इस पार्ट में कवि क्या कहते हैं कि इसमें लड़का धनी बाप का बेटा था, अतः उसे मेहनत करने का अभ्यास न था, एक दिन लड़के के पिता ने उसे कुछ कमा कर लाने के लिए कहा। लड़के के बेटे ने लड़का सीधा अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माँ ने चुपचाप उसे 1 रुपया दिया। लड़का खुश होकर अपने पिता के पास आया। पिता के मांगने पर उसने 1 रुपया उन्हें दे दिया। पिता ने लड़के से उस रुपये का कुआं में फेंक दिया, देने का आदेश दिया। ठीक है, पिता ने उस रुपये को कुएं में फेंक देने का आदेश दिया। लड़के ने फौरन उसकी बात मान ली। पिता को स्थिति समझते देर न लगी। दूसरे दिन उसने फिर लड़के को कमा कर कुछ लाने को कहा। इस बार लड़के की विधवा बहन ने उसकी मदद की थी। ठीक है, एक बार माँ ने मदद करी थी, एक बार उसकी बहन ने मदद की थी, लेकिन तीसरे दिन लड़के को मदद करने के लिए न तो उसकी माँ थी और न ही उसकी बहन थी। आविष्कार लड़ने को मेहनत मंजूरी करनी पड़ी। दिन भर मेहनत करने के बाद उसे 2 आने मिले। जब लड़के ने दिन भर मेहनत करी तो उसको सिर्फ और सिर्फ 2 आने मिले। पिता ने पहले की भांति बेटे से उन पैसे 2 आने दिया। कुएं में फेंक देने को भी कहा था। ठीक है, लड़का गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा कि बहुत मेहनत से उसने 2 आने कमाए। लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि बहुत मेहनत करने के बाद मुझे 2 आने रुपए मिले, वो भी आप कुएं में फेंकवा रहे हैं। ठीक है, उसने कहा कि अतः अपने मेहनत की कमाई नहीं फेंक सकता। बेटे ने पिताजी को कहा कि मैं अपनी मेहनत की कमाई नहीं फेंक सकता। पिता अब अस्वस्थ हो गया और अपना कारोबार बेटा के हवाले कर दिया। ठीक है, पिताजी पूरी तरीके से अस्वस्थ हो गए और उसने अपना कारोबार अपने बेटे के हाथों में सौंप दिया। इस कहानी में कवि यह कहना चाहता है कि खुद के बल पर कुछ करना सीखे, और पिताजी यही चाहते हैं कि उसका बेटा कुछ करे। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं अपनी कमाई के। ठीक है, फर्स्ट में दिया गया है सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर 2 कॉलम्स गिवन है, अ एंड ब दोनों कॉलम्स को मैच करना है। फर्स्ट में क्या दिया गया है, लड़का के करेक्ट आंसर आ जाएगा बेपरवाह और हुरबल। ठीक है, नेक्स्ट धनी का करेक्ट आंसर आ जाएगा पिता। बहन ने सिंगारदान खोला, बहन ने क्या खोला था, सिंगारदान। माँ की ममता, माँ का करेक्ट आंसर आ जाएगा ममता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ वर्ड गिवन है, उन्हें हमें ब्लैंक जगह पर फिल करना है। फर्स्ट में क्या दिया है, माता ने बेटे के मुख पर चिंता और शोकिक डैश देखी, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा मलिनता। नेक्स्ट देखते हैं डैश, पिता सब कुछ समझ गया। पिता क्या समझ गए, अनुभवी। ठीक है, पिता क्या समझ गए थे, अनुभवी। नेक्स्ट देखते हैं, लड़के ने डैश निकालकर पिता के सामने रख दी थी, क्या रख दी थी, 1 रुपया। नेक्स्ट देखते हैं, पिता ने अपना कारोबार बेटे के डैश कर दिया, क्या कर दिया था, हवाले। पिता ने अपने बेटे के हवाले कर दिया था सारा कारोबार। नेक्स्ट देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न, अब हम इसके अति लघुत्तरी प्रश्न देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, धनी पिता ने अपने बेटे से क्या कहा था,
धनी पिता ने अपने बेटे से क्या कहा था? आंसर आ जाएगा, धनी पिता ने अपने बेटे से कुछ कमा कर लाने के लिए कहा था। क्या बोला था? कि कुछ कमा कर लाइए बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा माँ के पास क्यों गया था? बेटा माँ के पास क्यों गया था? आंसर आ जाएगा, बेटा माँ के पास उनकी सहायता पाने के लिए गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिता अपने बेटे को क्या सिखाना चाहते थे? पिता अपने बेटे को मेहनत करना सिखाना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लघु उत्तरी प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, पिता ने लड़के द्वारा दो बार लिए पैसे कुएं में क्यों फेंकवा दिए? पिता ने लड़के द्वारा दो बार लिए गए पैसे कुएं में क्यों फेंकवा दिए? आंसर आ जाएगा, पिता ने लड़के द्वारा दो बार लाए पैसे कुएं में इसलिए फेंकवा दिए क्योंकि वे लड़के की परीक्षा लेना चाहते थे। पिता को मालूम था कि वह बेटा पैसे मांगकर ला रहा है, अतः उसे उन पैसों के प्रति ममता नहीं होगी। पिता की बात सही निकली, उनके कहने के लड़के ने पैसे कुएं में फेंक दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहन और माँ के दूर जाने का लड़के पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर, माँ और बहन के दूर जाने लड़के पर अच्छा प्रभाव पड़ा। ठीक है, माँ और बहन के दूर जाने पर लड़के पर अच्छा प्रभाव पड़ा। कहीं से सहायता की उम्मीद न रहने के कारण वह मेहनत करके पैसे कमाना सीख गया। ठीक है, वह मेहनत करके पैसे कमाना सीख गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी बार पैसा कुएं में फेंकने के आदेश से लड़का क्रोधित क्यों हुआ? ठीक है, आंसर देखते हैं इसका, तीसरी बार पैसे कुएं में फेंकने के आदेश से लड़का क्रोधित इसलिए हुआ क्योंकि ये पैसे उसने काफ़ी मेहनत से कमाए थे इन पैसों को वह कभी भी नहीं फेंक सकता था। ठीक है, अपनी कमाई हुए पैसों को कभी नहीं फेंक सकता था क्योंकि वो पैसे उसने काफ़ी मेहनत से कमाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिता ने कारोबार बेटे के सुपुर्द करने का निश्चय कब किया था? आंसर देखते हैं इसका, जब बेटे ने स्पष्ट कर दिया कि वह मेहनत करके पैसे कमा सकता है तब पिता ने अपना कारोबार उसके सुपुर्द करने का निश्चय कर लिया था। ठीक है,